वेलकम बैक टू द नेक्स्ट फ्यूचर व्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू 2022 एक्सयूवी 300W8 ऑप्शनल ड्यूल टोन में पेट्रोल मॉडल के बारे में। और करंटली आप जो ये पेंट फिनिश देख रहे हैं इसके ऊपर, ये है रेड पर्ल वाइट, जिसमें कि पर्ल वाइट जो इसके रूफ में दिया गया है ड्यूल टोन का फिनिश। और हम बात करें व्यूज इसके एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस की, तो व्यूज इस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस रहेगा वो है 13,50,000 रुपीज़, और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 12,50,000 रुपीज़। हम जो व्यूज़ ये आपको प्राइस बता रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का। अब हम बात करें व्यूज़ इसकी की तो कीज़ कुछ इस तरह से देखने मिल जाती हैं। दोनों ही कीज़ सिमिलर दी गई हैं और साथ में जैक नाइफ की का फंक्शन भी मिल जाता है इसमें। अब हम बात करें व्यूज़ के फ्रंट से, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, साथ ही में क्रोम टचअप एंड पियानो फिनिश इसके फ्रंट एंड में दी गई है नोज़ ग्रिल के ऊपर। और इसकी हेडलाइट्स जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल चैम्बर हेडलाइट्स, जिसमें कि टर्न लाइट इंडिकेटर यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ में दिया गया है, प्रोजेक्टर, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका हाई बीम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो डे टाइम रनिंग लाइट है ये इसके लुक्स को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। साथ ही में इसमें आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप इसके साथ टाइट स्पेस में राइड ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ड्राइव करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज ये सेंसर जो है स्विच के साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम पे, और अकेले अगर आप पार्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप काफ़ी कन्वीनियंस ऑफर करते हैं व्हीकल को पार्क करने हैं। यहाँ पे हम बात करें तो इसके फ्रंट में मिल जाती है स्किड प्लेट, जो कि शाइनी सिलो फिनिश के साथ में आती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्बो इंजन है तो इंटरकूलर, क्रोम टचअप जो कि यहाँ पे नोज ग्रिल के ऊपर भी दिया गया है। साइड में आएंगे तो साइड में नोटिस करेंगे इसके फ्रंट एंड से जो क्लैडिंग स्टार्ट होती है जो कि रेयर एंड और सराउंडिंग में दी जाती है व्हीकल की, जिसकी वजह से अगर आप इसके साथ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है अंडर व्हील आर्चेस और इसके यहाँ पे अंडर बॉडी के लिए, जो कि एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस व्हीकल का। साथ में इसमें आपको फर्स्ट 3 सेगमेंट देखा जाए तो ये चीज़ मिलती है जो कि है इसकी ऑल व्हील्स के ऊपर डिस्क ब्रेक्स। बेस वेरिएंट से आपको ऑल व्हील्स के ऊपर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसके साथ हिली एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर आपको ब्रेकिंग पावर काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ ही में ड्यूल टोन फिनिश के साथ में अलॉय व्हील्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो, और 5 नगलर्स दिए गए, जिसकी वजह से जो इसमें आपको आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाने की ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें जो ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, टायर साइज़ है 2015 55R17 का, 94HK हाई स्पीड टायर्स दिए गए हैं, MRF के इसमें टायर्स मिल जाते हैं फ्रंट एंड रेयर में, वाइपर एंड हेडलाइट्स जो इसकी ऑटो फंक्शन के साथ में आते हैं। साथ ही में इसमें रूफ में आपको मिल जाता है सनरूफ, जो कि लग्जरी को बढ़ाने में मदद करता है इंटीरियर में। रेयर में आप देख पाएंगे एंटीना रूफ रेल्स जो हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे डार्क ग्रे फिनिश या फिर बोले ब्लैक फिनिश के साथ में आती हैं, जिसकी वजह से जो रूफ की जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। साथ ही में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है टोल बूथ के ऊपर भी, यहाँ पे ए पिलर एंड यहाँ पे डी पिलर के ऊपर जो ये आप देख पा रहे हैं इंसर्ट पियानो, ये इसके रूफ को जो है फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट देता है। अब हम आ जाए इसके यहाँ पे इंटीरियर में, तो अगर आपकी फ्रंट सीट में अगर आपने चाइल्ड सीट इंस्टॉल की है तो आप इस स्विच को प्रेस करके इसके एयरबैग को एक्टिवेट या तो फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए अपने व्हीकल का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पियानो फिनिश, लेदर फिनिश काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ट्रिपल टोन फिनिश के साथ में सभी डोर पैनल्स आ जाते हैं, वाटर वाटर होल्डर स्पेस 2 दी गई हैं, अम्ब्रेला होल्डर की स्पेस भी मिल जाती है, इन्फोटेनमेंट स्पीकर जो आपको इसमें 6+ मिल जाएंगे कैबिन के अंदर, और यहाँ पर मोबाइल फोन स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है और एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दी गई है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर ए पिलर के ऊपर SRS एयरबैग, यहाँ पे आप देख पाएंगे सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर विद लाइट, चाइल्ड सीट्स की एयरबैग की वार्निंग, और यहाँ पे जो लेदर फिनिश सीट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लाइफ के साथ में आते हैं। साथ में इसमें आपको जो कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, देख सकते हैं काफ़ी कम्फर्टेबल एंड काफ़ी कुशनी है, बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा ऑफर करती हैं, सभी हेडरेस्ट जो हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं फ्रंट एंड रेयर में, आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं, और यहाँ पे जो को ड्राइवर की सीट है ये 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। अगर आपने टैबलेट रखा हुआ तो आप उसे यहाँ पे इस स्लॉट में इजीली रख सकते हैं। साथ में काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस,
और दो कप होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन स्टोरेज की स्पेस मिल जाएगी। ड्यूल ऑटो जोन क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन मिल जाता है यहाँ पे। और इसके ORVMs जो हैं वो ड्यूल टोन फिनिश के साथ में आते हैं, जिसमें बॉडी कलर फिनिश एंड मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। LED टर्न लाइट इंडिकेटर इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग फंक्शन के साथ में आते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, जो कि आपको काफ़ी कम व्हीकल्स में ये देखने मिलेगा। रेयर में आए तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो फिक्स मिल जाएगा। देख सकते हैं अगर वेट डाला जाए तो ये नीचे नहीं जाता है, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट ऑफर करेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, जब दो पैसेंजर पीछे बैठे हैं। कप होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है ये व्हीकल जो है बेस्ड है टिवली के ऊपर, सैंगयोंग की जो महिंद्रा की ओन्ड कंपनी है सैंगयोंग, उस का एक व्हीकल है टिवली, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे उसका टचअप देखने मिल जाएगा बंजी कोड में, जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट मैगजीन एंड डॉक्यूमेंट्स संभाल के ले जा सकते हैं। और अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहें तो ईजिली रिमूव कर पाएंगे। थोड़ा इसके इंटीरियर में यूनिक टचअप दे देता है। फ्लोर जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, देख सकते हैं। रेयर में भी आपको सेम डोर्स के ऊपर फीचर देखने मिल जाएंगे, कुशनिंग एंड इंफोटेनमेंट स्पीकर, वाटर होल्डर की स्पेस। अब बात की जाए भी इसमें लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस की, तो रेयर में जैसे कि आप देख सकते हैं सर के लिए लेगरूम एंड हेडरूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साथ में रेयर से जो आपका फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा, जब व्हीकल ऑफ है और जैसे आप व्हीकल को इग्निशन मोड में लाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से रेयर से फ्रंट का व्यू देखने मिलेगा। यहाँ पर मिल जाता है रूफ में हेलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैम्प। हुक के ऊपर आप थोड़ा बहुत सामान जो है हैंग करके ले जा सकते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन के साथ में आते हैं ये। और इसमें जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो है 42 लीटर्स की। साथ ही में रेयर में भी आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक्स, और यहाँ पे जो व्हील आर्चेस के ऊपर जो है काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है अंडर व्हील आर्चेस के ऊपर। मीन्स अगर आप ऑफ रोडिंग करें तो यहाँ पे अंडर व्हील आर्चेस के ऊपर जो रस्ट लगता है उसकी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक क्लैडिंग जो दी गई है ऑलरेडी। ईगल आई से इंस्पायर्ड इसकी टेल लाइट्स देखने मिल जाएंगी, जिसमें कि LED का फंक्शन मिल जाता है। हैलोजन में रिवर्स पार्किंग लैंप एंड टर्न लाइट इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, वॉशर, वाइपर, डिफॉगर दिया गया है। और यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग्स जो कि आपको काफ़ी कम व्हीकल्स में देखने मिलते हैं, जो कि महिंद्रा अपने व्हीकल्स में ऑफर कर रही है। इस व्हीकल को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। यू आर फॉलोइंग इंडिया सेफेस्ट व्हीकल प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो, और ये जो इसके लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। साथ ही में इसका कॉम्पैक्ट साइज़ जो है एक इंडिया के लिए बेस्ट रहता है, और अगर आप इसके साथ टाइट स्पेस में राइड करें या फिर टर्न करना चाहते हैं टाइट स्पेस में, तो ईज़िली टर्न कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो बैक स्पेस जिसके रेयर एंड का जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे इसमें लो माउंटेड रिफ्लेक्टर्स और दो पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। फ्रंट एंड से ही सेम आपको देखने मिल जाएगा शाइनी सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट, और नीचे देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस जो कि दी गई है 180 mm की। यहाँ पे W8 की बैजिंग, XUV300 की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। ऑप्शन मॉडल तो उसकी बैजिंग आपको देखने में नहीं मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आप इसके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको इमरजेंसी एग्जिट की ऑप्शन जो यहाँ पे दी गई है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे मिल जाती है इमरजेंसी एग्जिट की ऑप्शन। 257 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। अगर आप इस स्पेस को इफेक्टिव वे में यूज़ करें तो आप इसमें 3 लगेज बैग जो ईज़िली डाल सकते हैं। प्लस अगर यहाँ पर आप एक पार्शल ट्रे लेना चाहें तो आप डीलरशिप से ले सकते हैं सेपरेटली। और इसके नीचे जो आपको इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा एंड जैक टूल्स। स्पेयर व्हील जो है इसका वो स्टील रिंग के साथ में आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर आप इसकी हाइट एडजस्ट करना चाहें इसके फ्लोर की, तो आप ये इसको जो है उठा के यहाँ ऊपर डाल सकते हैं और इसके फ्लोर की हाइट जो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पे किट में ही मिल जाती है आपको फर्स्ट एड किट, महिंद्रा XUV300 की ओनरशिप गाइड बुक और हज़ार ट्राइंगल। यहाँ पर देख सकते हैं क्लैडिंग। और ड्राइवर साइड में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन टायर साइज़ के हिसाब से। साथ ही में इसमें जो ड्राइवर साइड की सीट है वो 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन में साथ में आती है, जिसमें कि आपको हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर, इसका फ्यूज़ बॉक्स जो यहाँ नीचे दिया गया है,
देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के पास जो कंट्रोल है उसके पास में, अगर आप इसे पुल आउट करेंगे तो यहाँ से आप इसके फ्यूज जो है चेक कर सकते हैं। माइनर फ्यूज बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, हुड ओपन करने के लिए लीवर यहाँ पे मिल जाएगा। ड्राइवर साइड के डोर के ऊपर जो कंट्रोल है कुछ इस तरह से देखने मिल जाते हैं। ऑटो फंक्शन जो है वन टच अप डाउन को सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो के ऊपर दिएगा। ओ आर वी इसके कंट्रोल्स। अब हम बात कर ले इसके इंजन बे के बारे में, तो इंजन बे का व्यू जो दूर से कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा, और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं इसके हज़ार लाइट्स से वो एक्टिवेट हो जाती हैं, चारों इंडिकेटर्स जो इसके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ ही में इसमें आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 109 bhp की, एंड इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा टॉर्क देखने मिल जाएगा जो कि है 200 Nm का। पेट्रोल इंजन में ये सबसे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है महिंद्रा का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। वाइब्रेशन जो आपको कैबिन में जो काफ़ी कम देखने मिलेंगे कंपेयर टू द अदर कंपेटिटर्स। माइलेज ऑफर करेगा 17 किलोमीटर पर लीटर की, एंड वन फुल टैंक जब इसे ड्राइव कर सकते हैं वो है 16 किलोमीटर तक। 6 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स मिल जाता है, और साथ ही में इसमें जो महिंद्रा वारंटी ऑफर करती है इस व्हीकल के ऊपर वो है 3 ईयर्स एंड अनलिमिटेड ऑफ किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है महिंद्रा अपनी XUV300 के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेजर फ्यूज बॉक्स, साथ ही में इसमें आपको जो इसका कूलेंट टैंक हो यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रेक फ्यूल टैंक यहाँ पे दिया गया है, और ल्यूब ऑयल लेवल्स चेक करना चाहें इंजन का तो वो आप इस स्टिक को पुल करके चेक कर सकते हैं। और इसकी फायर वॉल के ऊपर भी काफ़ी अच्छी डैम्पिंग मिल जाती है जिसकी वजह से कैबिन के अंदर नॉइज़ काफ़ी कम जाती है इंजन की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डैम्पिंग। अब मैं बात करूँ व्यू इसमें सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पे इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, ABS मिल जाता है, EBD BA, ESP हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही में इसमें जो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ इस ड्राइवर साइड से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील जो लेदर फिनिश के साथ में आता है, साथ में काफ़ी स्मूथ है, और इसके ऊपर जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके MID के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड के कंट्रोल यहाँ पे दिए हैं, क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, महिंद्रा का बैज, साथ ही में इसी की इस तरफ देख पाएंगे आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप करने का बटन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को एक्टिवेट करने का बटन भी यहीं पर दिया गया है। और इसमें जो आपको ये स्टेयरिंग व्हील है ये टिल्ट टेबल मिल जाता है, साथ ही में इसी के पीछे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, तो दूसरी तरफ मिल जाएंगे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स। और जैसे ही व्यूअर्स हम इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो ये व्हीकल जो है इग्निशन मोड में आ जाएगा सिंगल प्रेस के ऊपर ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलेंट लेवल, कूलेंट टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूल लेवल आप यहाँ पर देख पाएंगे कितने किलोमीटर चला व्हीकल वो, साथ ही में फ्यूल की वार्निंग, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप वन ट्रिप टू चेक कर पाएंगे। और यहाँ से जो आपको फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिल जाता है, फ्रंट का काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है, और इसका ए पिलर जो ब्लाइंड स्पॉट का काम नहीं करता है। साथ ही में इसमें इसके जो सन वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर एंड हैलोजन बल्ब मिल जाता है लाइट के लिए, इंफोटेनमेंट स्पीकर का माइक यहाँ पर दिया गया है, सन ग्लास होल्डर की स्पेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सनरूफ के कंट्रोल्स। और अगर आप इसे कंप्लीट क्लोज करना चाहे तो एक बार कंप्लीट इसे नीचे खींचिए और ये क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं आप पीछे से तो आप इसे कुछ इस तरह से प्रेस करके यहाँ से पीछे से ये इवेंट जो है एक्टिवेट कर पाएंगे। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ में इसका IRVM जो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टच के इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें कि आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और ये जो है काफ़ी डिसेंट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स के साथ में आता है जिसमें कि एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो नेविगेशन का फंक्शन मिल जाता है। साथ ही में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इको सेंस, रेडियो, मीडिया और नेविगेशन, कार इन्फो, सेटिंग्स, ई मैनुअल चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप इसकी साउंड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ई सेंस सिस्टम को चेक कर पाएंगे, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इसके म्यूज़िक की साउंड को जो है अपने मन मुताबिक जो सेंट्रलाइज कर सकते हैं ईजिली। इसके टच का रिस्पॉन्स जो काफ़ी अच्छा है, टोन को सेट करना चाहे मीन्स बेस को बढ़ाना चाहे तो वो भी कर पाएंगे, और इसका जो
इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साथ में यहाँ पे जो एक ये जो इसका सेंट्रल लुक है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसी के नीचे मिल जाएंगे आपको एसी कंट्रोल्स, यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करने के लिए बटन, एमआईडी कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप इसकी एमआईडी को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रिप वन ट्रिप टू चेक कर पाएंगे और एवरेज स्पीड क्या दी, ड्राइविंग टाइम, कंफर्ट में रखना चाहें स्टीयरिंग व्हील को तो कंफर्ट में रख सकते हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड में रखना चाहें तो आप रख पाएंगे। ये आप इसकी जो वेट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से, मेमोरी फंक्शन मिल जाता है। साथ ही में आप इसके इस डायल से जो एयर की जो स्पीड है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे देख पाएंगे फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन, वाई थ्रू एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो का फंक्शन मिलता है तो उसके पोर्ट यहाँ पे दिया है, ऑक्स 120 वोल्ट की मैक्सिमम पावर आउटपुट। यहाँ पर मोबाइल फोन स्टोरेज की स्पेस, गियर शिफ्टिंग स्टिक के ऊपर जो है लेदर फिनिश दी गई है, साथ ही में सराउंडिंग में भी। और मैं बात करूँ भी इसमें लेग रूम एंड हेडरूम स्पेस की, तो देख सकते हैं सर के लिए लेग रूम एंड हेडरूम स्पेस जो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और व्यूज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।